मैं हूँ राहुल कुमार और आप देख रहे हैं रॉयल एडिटिंग। आज हम बात करने वाले हैं फेक लव फोटो एडिटिंग के बारे में। आजकल दुनिया बेवफाई में जी रही है तो इसके पहले सबसे पहले मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया हमने। जो जो PNG यूज होगा उसको आपको एड करके मैं दिखाता हूँ। ब्लेंड में जाते हैं, इसको डार्कन में करते हैं मल्टीप्लाई में, फिर इसको इरेज कर लेते हैं साइड में जो ऑब्जेक्ट आता है। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा है कि आप नए ही होंगे क्योंकि हमारा चैनल ही नया है। अच्छी तरह से साइड को इरेज करते हैं ताकि थोड़ा ओरिजिनल सा लगे। और ये इरेज हो चुका है। इसके बाद फिर हम इफेक्ट में जाने वाले हैं। अब देखिए ब्लैक एंड वाइट वाला जो है उसको हम यूज करेंगे। देखिए PNW और यहाँ पर फेड। अब इसको आँख में जहाँ अंदर में जो आग वाला है वहाँ अंदर में थोड़ा मिटाएंगे उसको। काम हो रहा है धीरे धीरे लग रहा है। ये वीडियो में पूरी वीडियो को पूरी देखिए और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं। फेक लव फोटो एडिटिंग और इसको अच्छी तरह से करते हैं ताकि थोड़ा ओरिजिनल सा लगे। इधर साइड में कॉर्नर में भी कर लेते हैं, ब्लैक है इसलिए दिख नहीं रहा है। उधर भी इरेज कर रहे हैं। तो अगर आपको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। और लगता हो चुका, हाँ हो चुका। अब देखिए अभी उतना खास नहीं लग रहा है ताकि बाकी अभी ऐड फूट जाते हैं। PNG ऐड करते हैं फिर नेक्स्ट चिंगारी वाला। आग लगेगी तो चिंगारी तो निकलेगा ही ना। इसको अच्छी तरह से क्रॉप करते हैं। अब फिर ब्लेंड में जाएंगे स्क्रीन में, हाँ स्क्रीन में सही है। अब इसको सही तरह से ऐड करते हैं फिर इसको इरेज करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। अच्छी तरह से करना पड़ता है ताकि थोड़ा लगे अच्छा सा। अब इसको इरेज करते हैं थोड़ा साइड में क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है, शेप को हटा लेते हैं स्क्वायर वाला। हो चुका है, इसको अंदर की ओर लेके आएंगे अभी, हाँ। और फिर इसको इरेज करेंगे अभी ताकि लगे कि साइड से चिंगारी निकल रही है। और अभी आग वाला PNG भी हम लोग डालने वाले हैं। देखिए स्टिकर में गए हैं, अब यहाँ लिखेंगे फायर PNG डिस्कवर में। डाटा ऑन रहना चाहिए तभी ये चीज़ हो पाएगा। डिस्कवर में फायर PNG लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। और यहाँ देखिए आ चुका है बहुत सारे। अब किसी में यहाँ किसी से एक को चुनते हैं, देखिए ले लिए। अब इसको अच्छी तरह से आप लोग वीडियो मतलब फोटो के हिसाब से लगाते हैं। रुक जाएंगे, हो रहा है। इसको इरेज करते हैं सही ढंग से और फोटो के हिसाब से सही तरह से लगाते हैं। इस तरह ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है, इसको थोड़ा ओके कम करते हैं इसको। और आप देख सकते हैं सही तरह से लगभग लग ही रहा। अब स्टिकर ऐड करते हैं नया आंसू वाला, रेड टीयर्स। और ब्लू पहले आँखों को कलर करते हैं, रुको ब्लू इज। आप लोग को स्टिकर में जाके वहाँ सर्च कीजिएगा, सभी तरह के PNG मिल जाएंगे PicsArt में। डाटा ऑन रहना चाहिए बस। देखिए आँख को देखिए हमने ले चुके हैं। अब इसको सही तरह से मेंटेन करते हैं, सही तरह से लगाते हैं अपने वीडियो के हिसाब से मतलब फोटो के हिसाब से। ऊपर वाला हिस्सा जो बचा हुआ इसको इरेज करते हैं ताकि थोड़ा लगना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा लगना चाहिए ओरिजिनल सा। इसको इरेज करते हैं पहले। अब नीचे साइड भी थोड़ा हल्का हल्का मिटाना पड़ता है ब्लेंडिंग कम करके। देखिए जैसा कि अभी लग रहा है। अब दूसरे आँख में भी हम लोग फिर से ऐड करने वाले हैं, दूसरे आँख में
इसमें दूसरा एक थोड़ा दूसरा कलर लिया है, ब्लू ही है लेकिन हाइलाइटेड ब्लू है, क्योंकि उधर जला हुआ नहीं इधर जला हुआ, तो थोड़ा अलग लगना चाहिए दोनों में। अब इसको भी थोड़े से इरेज करते हैं फोटो के हिसाब से। अब नीचे तरफ भी ब्लेंडिंग काम करके थोड़ा देखिए, अब देखिए लगभग एडिटिंग हो चुकी है हमारी फोटो। अब यहाँ पर फिर से दूसरा पीएनजी यूज करेंगे, रेड टीयर्स, रोने वाले आंसू, खून की आंसू, खून की दरिया क्या बोलते हैं, इसको सही तरह से लगाते हैं, ओपेसिटी का कम करते हैं। अब फिर से नया स्टिकर यूज करेंगे पीएनजी, फेक लव वाला, फेक लव। रुक जाइए, हो रहा है नेटवर्क स्लो है, देखिए आ चुका। अब इसको भी लगाते हैं यहाँ मुंह के सामने, फेक लव। अब इसी तरह से अब दूसरा पीएनजी ऐड करेंगे, एक तरफ ब्लैक, ब्लैक आंसू टीयर्स, इसको भी मल्टी ब्लेंड में जाके इसको डार्कन में रखते हैं। अब इसको सही तरह से फोटो के हिसाब से लगाते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो रहा है, इसका भी थोड़ा ओपेसिटी कम करते हैं। देख सकते हैं आप फोटो कितनी तगड़ी लग रही है, इसको और तगड़ी बनाएंगे। अब रुक जाइए, लाइट रूम में थोड़ा इसको रिटच करते हैं। अगर आप लाइट रूम का यूज करना नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे वो भी उपलब्ध है, जाके जरूर देखें। एडिटिंग से रिलेटेड मैं सारी वीडियो इस चैनल में डालते रहता हूँ, इसलिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ये सब करना भी ना भूलें। देखिए फोटो अब अच्छी तरह से हो चुकी है, अब मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। देख सकते हैं फोटो कितनी तगड़ी लग रही है, फेक लव फोटो एडिटिंग।